गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है। मोदी की मौत आई जो उसने कनाडा का रुख कर लिया। अकलियतों को कुचलने के लिए सिख रहनुमा को कनाडा में कत्ल करवाया, जो इंतहाई बारी पड़ गया नरेंद्र मोदी पर और भारत पर। डॉक्टर साहब, क्या ये POK अब आने वाला है इंडिया में? ये तो कोई शक ही नहीं है, आज नहीं तो कल उसको आना है। और टाइम आ गया है, लोग आज की डेट में दादा मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के जरिए आप सच को छुपा नहीं सकते। आज भारत न सिर्फ पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया बल्कि बुरी तरह घेरे में आ गया। तमाम आलमी ताकतें मुकम्मल तौर पर कनाडा के साथ खड़ी हैं, वो सब भी जिन्हें मोदी बगल में छुरी और मुंह में राम राम कहकर G20 समिट में मकबूजा कश्मीर बुला रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जन्नत नज़ीर वादी को खून में नहलाने वाले गुजरात के कसाई ने मकबूजा कश्मीर पर अपना झूठा हक जताने के लिए ये कॉन्फ्रेंस बुलाई, लेकिन शहीदों के लहू की सदा आसमान चीर गई। हरदीप सिंह को कत्ल करने का घिनौना मंसूबा रंगे हाथों पकड़ा गया और इसी समिट में कैनेडियन वजीर आजम ने भारत को उसका असल चेहरा या असल औकात दिखा दी। सबूत पर सबूत मिल रहे हैं और अब तो कैनेडा के जो हाथ हैं वो भारतीय सफीरों की कत्ल से मुतालिक गुफ्तगू भी लग चुकी है। अमेरिका, बरतानिया, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मुश्तरका इंटेलिजेंस नेटवर्क ने इसकी तस्दीक कर दी है। पाकिस्तान आज तक ये नहीं डिटरमाइन कर पाया कि वो चाहते क्या हैं। वो सेक्युलर बनना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस चाहना चाहते हैं या एक इस्लामिक गवर्नेंस चाहते हैं, आज तक उनका यही नहीं क्लियर है। ये जो है इसलिए जो है वो POK या जो लोग हैं पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान से अब रिलेट नहीं कर पा रहे। देखिए, होता ही है ना कि आप एक कंट्री से रिलेट करते हो। हम आप इंडियन हैं, हमारे और इंडियन होने में, भारतीय होने में हमें कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं नजर आती, हम नेचुरली भारतीय हैं। कि जब अमेरिकी सदर भारतीय दौरे पर आए थे तो नरेंद्र मोदी जो भारत का मकरू चेहरा है वो बड़ा खुशनुमा बनाकर दिखा रहे थे। आज दहशतगर्द भारत की जो हकीकत है या इसकी जो औकात है सारी दुनिया को मालूम हो गई है, तो भारतीय सियासतदान उनके मीडिया का जो गंध है वो उबल उबल कर बाहर आने लगा है। ज़रा देखिए कि तजारती मुआहदे की भीख मांगने वाले भारतीय अब किस तरह से कनाडा और उसके हर शहरी को जान से मारने की बाकायदा धमकियां दे रहे हैं। वहां पे आर्मी के लोगों को और पाकिस्तानी पुलिस के लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के पाइट कश्मीर में। इसका भी बताऊंगा और रिवोल्ट किस लेवल पे पहुंचा है ये भी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन उससे पहले अभिषेक मिश्रा जी से ये पूछेंगे कि POK के लोग क्यों इतना रिवोल्ट कर रहे हैं। मैंने वही कहा ना भाई, आप POK में जो पी है वो OK नहीं है, आप समझ रहे हैं वहां के लोगों के। मेजर गौरव आर्या कि हिंदुत्व की राह में जो सामने आएगा वो सीधा सीधा मारा जाएगा, और तो और ना मुल्क में जिंदा छोड़ा जाएगा ना ही मुल्क से बाहर छोड़ा जाएगा। ये नफसियाती शख्स शायद ये बताना चाह रहे हैं, खुलेआम तड़ियां लगा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। ये है वो नफसियाती इंतहा पसंद लोग और मजहबी मुनाफरत जिसका बीज बरसों से ये जो RSS है और BJP बोती चली आ रही है और अब इसकी फसल बकायदा कट रही है। इस तरह के नफसियाती चेहरे गुफ्तगू करते हुए आपको नजर आते हैं, धमकियां देते हुए नजर आते हैं कि जो हिंदुत्व के सामने आएगा वो मारा जाएगा, चाहे देश में होगा या बाहर होगा। और तो और मुसलमान सियासतदानों को बकायदा पार्लियामेंट में खुलेआम जान से मारने की तड़ियां लगाई जा रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं। नफसियाती इनके तजियाकार गौरव आर्या जैसे, नफसियाती इनके एंकर पर्सन अर्नाब गोस्वामी जैसे, नफसियाती इनके पार्लियामेंटेरियन जिस तरह की बहस करें, इस तरह की बातें करें, सब धमकियां लगा रहे, सब तड़ियां दे रहे हैं कि जी तड़ियां लगा रहे हैं कि जी जो आ रहे हैं कि जी जो हिंदुत्व के सामने खड़ा होगा उसको मार देंगे, जान से मार देंगे, कत्ल कर देंगे, उसे जीने का हक छीन लेंगे, हाँ वो भारत में हो या भारत से बाहर हो। नफसियाती लोग, ये पार्लियामेंटेरियन, आपको लगा था कैसे पार्लियामेंटेरियन जिस तरह की गुफ्तगू करें, इस तरह अंदाज इसने अपनाया हुआ है। आलमी बिरादरी जरा गौर से देख ले, गौर से सुन ले कि सेक्युलर होने की दावेदार, झूठी दावेदार, इंतहा पसंद BJP सरकार जो सियासत में मुसलमान का वजूद तक बर्दाश्त नहीं कर सकती, खुलेआम कत्ल की धमकियां दे रही है, तड़ियां लगा रही है। वहां आम जो मुसलमान है उसकी जान माल इज्जत कैसे महफूज हो सकती है? हो सकती है? नहीं हो सकती।